अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान रज़ा है और आप ज़ीशान रज़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज का जो व्लॉग है वो बहुत अहम है और आज जिस खबर की जानिब मैं बढ़ रहा हूँ वो खबर है लाहौर से। और लाहौर में ऐसा वाकया पेश आया है जो हैरान कर देने वाला है। ऐसे हकायक सामने आए हैं, हकायक कुछ यूँ हैं कि 3 साल पुराना और 7,000 किलो गोश्त जो है वो बरामद हुआ है। और ये गोश्त कैसे होटल्स पे सप्लाई किया जाता था और फूड अथॉरिटी की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। डीजी फूड अथॉरिटी जो है मुदस्सर रियाज मलिक, उनकी जानिब से ये कार्रवाई की गई है। और आज के इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे उन हकायक के बारे में, आपको बताएंगे कि ये 3 साल पुराना गोश्त, बासी गोश्त जो है वो किस तरह से होटल्स पे जो है वो सप्लाई किया जा रहा था और कैसे फूड अथॉरिटी को पता चला और कैसे फूड अथॉरिटी ने सुराग लगाया और फिर फूड अथॉरिटी की जानिब से बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई। तो आज के इस व्लॉग में हम आपको तमाम तर जो हकायक हैं वो आपके सामने रखेंगे। हुआ कुछ यूँ कि फूड अथॉरिटी की जानिब से, जैसा आप जानते हैं कि फूड अथॉरिटी के जो मुलाजमीन हैं, जो अहलकार हैं, उनकी जो टीमें हैं वो शहर मुख्तलिफ शहरों में पंजाब के जो है वो अपना काम करती हैं और होटल्स को चेक करती हैं। ऐसा ही कुछ यूँ था कि चेक किया जा रहा था होटल्स को, देखा जा रहा था कि वहाँ पर जो मेयार है उसको चेक किया जा रहा था। देखें, यहाँ मैं एक बात आपको बताऊँ कि हमारे मुल्क में 70% बल्कि 80% होटल्स का जो मेयार है वो बहुत अच्छा है। हमारे जो खाने हैं वो पूरे मुल्क में मशहूर हैं, बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अच्छा, अब कहीं कुछ ऐसा होता यूँ है कि कहीं कुछ ऐसे मुनाफा खोर होते हैं जो सामने आते हैं, जो इस तरह के कामों में मुलविस पाए जाते हैं। हुआ कुछ यूँ है कि फूड अथॉरिटी को शक हुआ एक होटल पर, होटल पर गोश्त सप्लाई हो रहा था। अब हुआ ये कि गोश्त सप्लाई करने के बाद जो फूड अथॉरिटी की टीम है उन्होंने पीछा किया उस शख्स का, जो शख्स होटल पे सप्लाई दे रहा था। देखें, बाज़ुकात ये होता है कि होटल के कुछ मालकान हो सकते हैं कि उनको पता हो कि ये गोश्त बासी है और उन्हें सप्लाई जो है वो बासी ही गोश्त सप्लाई किया जाता है। लेकिन बाज़ुकात ऐसे भी होता है कि बहुत सारे लोगों को तो पास टाइम ही नहीं होता, ख़ासतौर पर लाहौर में तो बहुत ज़्यादा सिरी पाए खाए जाते हैं, इसलिए उनको तो अंदाज़ा ही नहीं होता कि ठीक है भाई ये आ गया गोश्त, ठीक है। लेकिन यहाँ यूँ हुआ कि फूड अथॉरिटी ने बड़ी हिम्मत की, यकीन करें मैं उनको तारीफ़ उनकी करनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि उनकी ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। उन्होंने पीछा किया, मुदस्सर रियाज मलिक जो कि डीजी फूड अथॉरिटी है उनको पता चला, उन्होंने फौरी सख्त कार्रवाई की हिदायत की और वो ख़ुद भी वहाँ पहुँचे। कार्रवाई का आगाज़ हुआ, पीछा किया, आगे जब फूड अथॉरिटी की टीम मुल्तान रोड के करीब ये कोल्ड स्टोर है जहाँ पहुँची और वहाँ पर पता ये चला कि जी यहाँ पर तो 3 साल पुराना गोश्त मौजूद है कोल्ड स्टोर्स में और वो सारा का सारा जो है वो गैर मियारी यानी बासी गोश्त था और इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र था, मुज़रे सेहत गोश्त वहाँ पर मौजूद था। और ख़ास तौर पर जो है वो आप सुन के हैरान हो जाएंगे, सिरी पाए वहाँ पर मौजूद थे, पाए बड़ी मकदार में, क्योंकि लाहौरी पाए बहुत ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, आपने भी देखा होगा कि यार आप कभी दुकानों पर ये जाके देखें, इतने पाए भाई देखें, इतने पाए मतलब कहाँ से आ जाते हैं इतने पाए, क्योंकि वो स्टोर हुए हुए होते हैं। हम मैंने ख़ुद एक दफ़ा, क्योंकि मैं सहाफ़ी हूँ तो मतलब एक दफ़ा पुलिस ने रेड किया, मुझे भी उन्होंने बताया, फूड अथॉरिटी के साथ मैं भी चला गया। अब मैंने क्या, हमने वहाँ देखा कि वो जो फ्रीज़र था वो पूरा काफ़ी अरसे से मतलब वहाँ उसमें पाए पाए पड़े थे। तो इसी तरह का ये वाक़या सामने आया जहाँ पर 3 साल मतलब 3 साल जो है वो पुराना बासी गोश्त मौजूद था। फूड अथॉरिटी की जानिब से सैंपलिंग की गई गोश्त की, उसका मियार चेक किया गया, जिसके बाद जो है वो कार्रवाई की गई और जो कानून के मुताबिक कार्रवाई थी वो डीजी फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज मलिक जो है उनकी हिदायत पर कानून के मुताबिक कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। पुलिस भी वहाँ पर मौके पर पहुँची और जो कानून के मुताबिक कार्रवाई है उसे अमल में लाया गया। अब हो क्या रहा है कि कोल्ड स्टोर्स पे जो कसाब होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने मतलब स्टोर करते रहते हैं, स्टोर करते रहते हैं और क्या करते हैं कि उसमें वो जो गोश्त है, वो जो बासी गोश्त होता है उसे हर मतलब जो है वो होटल पे कोशिश करते हैं कि वहाँ पर भेजा जाए। ये बाज़ुकात ऐसा भी होता है कि अगर वो जो स्टोर किया हुआ गोश्त होता है उसे मतलब दूसरे शहरों में भेजा जाता है, ऐसा भी मैंने देखा है, स्मगलिंग की जाती है गोश्त की। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, हैं ना मतलब
हैरान कर देने वाले हकायक। और ऐसा होता है, मैंने खुद देखा है, मैं खुद उन रेड्स में शामिल था। हम लोग जहाँ पर, उन्होंने मीडिया को भी बताया, पुलिस ने, और मैं फूड डिपार्टमेंट के और लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के साथ मिलके वहाँ पर गया। इस तरह के वाकयात मैंने खुद अपनी आंखों से देखे। इसी तरह एक बड़ी कार्रवाई की गई फूड अथॉरिटी की जानिब से, बहुत बड़ा यानी कि इकदाम था। और यकीन करें कि जितना भी इन्हें सराहा जाए उतना कम है, क्योंकि देखें अगर कुछ गलत हो रहा है तो जो मुतलका महकमे हैं उनको चाहिए कि वो उस गलत होते को रोकें, और ऐसा ही करना चाहिए था। हालांकि अगर हम दूसरी जाने पड़े तो लाहौर के जो खाने हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। इसी तरह पंजाब के तमाम होटल्स के अच्छे जो, हाँ एक हमेशा याद रखा करें कि जो एक होता है मतलब दरमियाने लेवल का होटल, और एक होता है बहुत ऊंचे दर्जे का होटल। जो बहुत ऊंचे दर्जे का होटल होता है ना, जहाँ पर आप ये सोच सकते हैं कि वहाँ पर इतनी मतलब रोज़ाना, कुछ ऐसे होटल होते हैं, बहुत सारे मतलब ऐसे होटल्स हैं जहाँ पर, मैं खुद भी होटिंग बड़ी करता हूँ, जहाँ हम जाते हैं वहाँ पर क्या होता है, रात भाई 9 बजे के बाद खाने मतलब हर चीज़ एंड हो जाती है। कुछ ऐसे होटल होते हैं जहाँ पर वो मतलब बहुत कम तादाद में लोग आते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको जो चीज़ें मेयार के मुताबिक मिलना शायद मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर वैसे वो होटल हों जहाँ पर इतने ज़्यादा तादाद में लोग खाने आते हैं, इतना रश होता है, वहाँ पर तो चीज़ जो है वो एंड हो जाती है। रोज़ाना नई चीज़ें आती हैं, नया मतलब नई गोश्त सब्ज़ी हर चीज़ दालें सब कुछ नया तौर मतलब रोज़ाना तैयार किया जाता है, तो ऐसे में मेयार जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो आज की वीडियो के हवाले से अपने राय का इजहार जो है वो लाजमी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज़ आपको जो है वो सबसे पहले मौसूल हो सके। फिर वक्त के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।